राजधानी में दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोल खोल अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली की बवाना विधानसभा के शाहबाद डेयरी में कांग्रेस ने हल्ला बोल पदयात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जय किशन समेत कई कांग्रेसी नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार एवं निगम में काबिज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि दिल्ली में नगर निगम की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अब कांग्रेस, बीजेपी और आप दोनों को घेर कर दिल्ली में एक बार फिर से वापसी का बिगुल बजाना चाहती है। इसीलिए अब कांग्रेस दिल्ली के इन 5 वार्डों में जाकर केजरीवाल सरकार और एमसीडी में काबिज बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वो एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम ले। यहाँ कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने आप और बीजेपी पर जोरदार कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम को 14 सालों में कंगाल कर भिखारी बना दिया। बहरहाल कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी इस मुद्दे को भुनाने में लगी है और उसे इन निगम उपचुनावों में अपनी वापसी की उम्मीदें नजर आ रही हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कई सालों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस इन मुद्दों पर राजनीति कर दिल्ली वालों के दिल में कितनी जगह बना पाती है।